दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग। आज हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको बहुत ही बेहतर वीडियो लेक्चर देने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे सवालों के साथ बड़े बड़े सवालों का भी मैंने समावेश किया हुआ है। तो आज आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मज़ा आएगा इस क्लास में, सो इसको शुरू से आखिर तक देखिए। क्लास की शुरुआत करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी वाली बटन दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे और आप हर एक तरह के सवालों से परिचित रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल कहता है, यदि साइन 15 बराबर एक्स और साइन 25 बराबर वाई तो साइन 40 का मान क्या होगा। यार कुछ नहीं है, केवल मजाक है। साइन 15 बराबर एक्स, साइन 25 बराबर वाई तो साइन 40 का मान क्या होगा। भाई साइन 40 को ऐसे लिख सकते हो, साइन 25 प्लस 15 तो हो जाएगा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी हो जाएगा ना। इस तरीके से साइन 25 की जगह पर क्या वाई, कास 15 का मान नहीं मालूम है तो कास 15 होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 15। ठीक है, प्लस कास 25 का मान नहीं मालूम है तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 25। ठीक है, और साइन 15 को, साइन 15 का वैल्यू तो मालूम है एक्स। ठीक है, तो वाई रूट के अंदर 1 माइनस साइन 15 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस इस एक्स को आगे लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन 25 का मान वाई है तो वाई स्क्वायर। बस देखते हैं किस विकल्प में मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल जाएगा, पहले मिलेगा ये वाला तब मिलेगा ये वाला। ठीक है, क्या था इसमें, कुछ नहीं था, केवल एक तरीके से मजाक था, सवाल नहीं था। ठीक है, आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं क्या कहता है। कहता है साइन ए बराबर 4/5, साइन बी बराबर 5/13। ये कुछ ठीक है, साइन ए बराबर 4/5 और साइन बी बराबर 5/13। ठीक है, और तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो साइन ए प्लस बी का मान क्या होगा। साइन ए प्लस बी का सूत्र आपको तो याद है, क्या होता है, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। जो वैल्यू पता रख दो, साइन ए का मान 4/5 रख दो, कास बी का मान नहीं पता तो कर्ली में 1 माइनस साइन स्क्वायर भी लिख दो। ठीक है, प्लस कास ए का मान नहीं पता है तो कर्ली में लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, साइन बी का मान पता है, साइन बी का मान यहाँ 5/13 है, पिछले सवाल का सगा भाई लग रहा है। 4/5 कर्ली में 1 माइनस साइन स्क्वायर भी, 5/13 का स्क्वायर 25/176, और इसको लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर यानी 4/5 का स्क्वायर 16/25 गुणे 5/13। ठीक है, अब 4/5 × 169 का 1 में गुणा करेंगे, 25 घटाएंगे तो 144 बचेगा, 144 बाहर आएगा तो 12 हो जाएगा, 12/13 प्लस 25 × 25 = 16, 9/25 बाहर आएगा 3/5 गुणे 5/13। 13/5 65, 13/5 65 लघुत्तम दोनों का 65 आ गया, 12 × 48 और प्लस 5 × 3 = 15 जोड़ देते हैं, 8 × 13 = 83, 4 × 5 = 63/65। 63/65 कहाँ पर है, 63/65 केवल एक ही विकल्प में दिखाई दे रहा है, सी वाले में, 63/65 सी वाले में है। आइए सवाल नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 19 क्या कहता है, यदि कास ए बराबर 1/7, कास ए बराबर 1/7 और कास बी बराबर दिया हुआ है, कास बी बराबर दिया हुआ 13/14 तो कास ए माइनस बी का सूत्र बताना है, कास ए माइनस बी का मान बताना है, पहले इसका सूत्र बताइए क्या होगा। कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, यही ना होगा, बोलिए। कास ए का मान 1/7, कास बी का मान 13/14 प्लस साइन ए का मान कर्ली में 1 माइनस कास स्क्वायर ए इंटू साइन बी का मान कर्ली में 1 माइनस कास स्क्वायर
बी, 13 × 13 = 1498, खरड़ी में 1 − cos² ये मतलब 1/7 का स्क्वायर 1/49, फिर ये हो जाएगा 1 − cos B का मान 13 × 13 = 169, 14 × 14 = 196, 196 में से 169 घटाएंगे 16 में से 9 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 8 में 6 = 2, 27 बचेगा, तो 13 × 98 + 49 से करने 49 में से 1 जाएगा 48/7 गुड़े, इसमें से इसको घटाएंगे तो 6 में से 9 जाएगा 7 बचेगा, 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, कड़ी में 27/14। ध्यान दीजिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा क्या होने वाला है, 13/98 यही रहने दो, प्लस 16 × 3 = 48, 4 × 3 = 7 गुड़े, ये जाएगा 9 × 3 = 27, 3 × 3 = 14। अब ये देखो ध्यान से कितना होगा, 4 × 3 = 12, अब 12 × 3 = 36, 3 × 3 = 3 होता है, तो 4 × 3 = 12 × 36 / 98, 13/98, 36 × 13 = 1 जोड़ लीजिए, 36 × 13 = 1 जोड़ लीजिए कितना होगा, 36 में 13 जोड़ेंगे 6 × 3 = 9, 3 × 4 = 49/98, 49 से 98 कटेगा, 49 × 49 = 98, 1/2 आ गया। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, सवाल नंबर 19 का जवाब है ऑप्शन नंबर सी वाला। ध्यान दीजिए इस सवाल पर, यह सवाल थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर वाला है, लेकिन इसे भी हम लोग करेंगे बड़े ही शौक के साथ, ठीक है। कॉस अल्फा प्लस बीटा निकल गया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है, तो हम साइन अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेते हैं, क्या होगा, कड़ी में 1 − cos² α + β निकालेंगे, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी बताता हूँ, इसका मान 4/5 है, स्क्वायर करेंगे 16/25 होगा, गुणा करेंगे घटाएंगे 9/25, 3/5 आ गया। ऐसे ही साइन अल्फा माइनस बीटा का मान दिया है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल लीजिए, और यहाँ पे लिखिए 1 − sin² α - β, तो रूट में 1 − sin α - β मान 5/13 हो जाएगा, 25/169, गुणा करके घटाएंगे 144, 12 आ जाएगा, 169, 13 आ जाएगा। इतना करके निकालने का फ़ायदा हुआ बताते हैं क्या, एक बार आप टेन अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, टेन अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा बटे कॉस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। हमने मान इसी नाते निकाला था, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान इसी वजह से निकाला था कि टेन का मान निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। तो साइन वाले का वैल्यू 3/5 है, कॉस वाले का वैल्यू 4/5 है, तो 3/5 = 4/5, 5 कट गया, 3/4 आ गया। अब ऐसे ही टेन अल्फा माइनस बीटा का मान निकाल लीजिए, तो ऊपर लिखेंगे साइन अल्फा माइनस बीटा, नीचे लिखेंगे कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, ये सूत्र है बेटा, इसका ये सूत्र है। अब साइन अल्फा माइनस बीटा का मान निकला है कहाँ पर है, यहाँ पर 5/13, कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान यहाँ देखिए 12/13, 13 कट गया, 5/12 रह गया, ठीक है, इतना निकल गया। अब इसके आगे क्या करना है वो आप जान लीजिए, इसके आगे क्या करना है वो आप जान लीजिए, मैं मिटा देता हूँ, आप वीडियो को पीछे भगा के चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा इतना ही। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं लिखूँगा टेन टू अल्फा, इसी का मान निकालना था ना आपको, मान निकालना इसी का, लेकिन इसका जुगाड़ कैसे बनाएंगे, बनाएंगे अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा माइनस बीटा। ध्यान से देखो, अगर इन सबको जोड़ेंगे तो माइनस बीटा प्लस बीटा कट जाएगा, अल्फा अल्फा जुटेगा तो टू अल्फा होगा, तो ये टेन टू अल्फा है और ये भी टेन टू अल्फा है, क्योंकि बीटा बीटा तो कट ही जाएगा। हम जुगाड़ इसलिए बनाए हैं कि हम इनका इसका यूज कर लें, इसका इसका यूज कर लें, क्या यूज, देखो टेन
इतने को मानो ए या इतने को मानो बी, टेन ए प्लस टेन बी बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी बटे वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, यानी टेन अल्फा प्लस बीटा इंटू टेन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब ज़रा गौर से देखिए, टेन अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ से आपको मिल गया तीन बटे चार, प्लस इसका मान पाँच बटे बारह बटे वन माइनस तीन बटे चार गुणे पाँच बटे बारह। ऊपर वाले का लघुत्तम लेंगे, बारह चार का लघुत्तम, बारह चार का लघुत्तम कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, बारह चार का लघुत्तम हो जाएगा ऊपर बारह, चार तीन बारह, तीन तरीका नौ, प्लस बारह का नौ बारह, पाँच का नौ पाँच, नीचे बारह चौक अड़तालीस, अगर नहीं अड़तालीस माइनस पाँच तीन पंद्रह बटे अड़तालीस। अब इसको सॉल्व करते हैं, नौ पाँच तेरह बटे बारह, और नीचे अड़तालीस में से पंद्रह जाएगा, आठ में पाँच जाएगा तीन, चार में से एक जाएगा तीन, तैंतीस बटे अड़तालीस। पहले का चौथे से गुणा करेंगे, तेरह गुणे अड़तालीस बटे में क्या लिखेंगे, बारह गुणे तैंतीस, बारह गुणे तैंतीस, बारह करने बारह, बारह चौक अड़तालीस, तो आ गया तेरह चौक बावन बटे तैंतीस, बावन बटे तैंतीस आ गया है। मैं देखता हूँ कौन से विकल्प में ये मौजूद है। ये सवाल नंबर बीस में बावन बटे तैंतीस, ओ यहाँ पर बलंडर मिस्टेक हुआ, क्या बलंडर मिस्टेक, नौ पाँच तेरह मैंने लिख दिया है, लेकिन होता है नौ पाँच चौदह, तो ये तेरह नहीं रहेगा भैया, चौदह रहेगा। ठीक है, तो ये भी क्या रहेगा, चौदह, चौदह चौका छप्पन, चौदह चौका, चौदह का चार में गुणा चौदह चौक छप्पन बटे तैंतीस, तो छप्पन बटे तैंतीस वाला विकल्प पूरी तरीके से सही है। कभी कभी कैलकुलेशन में हम लोगों से भी मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। टेन थीटा बराबर एम बटे एम प्लस वन, टेन थीटा बराबर एम बटे एम प्लस वन, फिर क्या दिया, टेन फाइव बराबर, टेन फाइव बराबर एम प्लस वन बटे एम, तो थीटा प्लस फाइव का मान क्या होगा, तो थीटा प्लस फाइव का मान क्या होगा, तो चुपचाप हम टेन थीटा प्लस फाइव का सूत्र लगा लेते हैं। ठीक है, क्या सूत्र होगा, टेन थीटा प्लस टेन फाइव बटे वन माइनस टेन थीटा इंटू टेन फाइव, ये सूत्र तो आप जानते ही हो, जानते हो ना। अब इसके आगे क्या करना, देखो बाएं पक्ष में लिख लेता हूँ टेन थीटा प्लस फाइव, इसका वैल्यू यहाँ से एम बटे एम प्लस वन, इसका वैल्यू यहाँ से एम प्लस वन बटे एम, नीचे वन माइनस एम बटे एम प्लस वन इंटू, इसका वैल्यू यहाँ से एम प्लस वन बटे एम, एम से एम कट गया, एम प्लस वन से एम प्लस वन कट गया, इसका टोटल वैल्यू कितना आ गया, जिसको मैं घेर दे रहा हूँ, ये टोटल वैल्यू कितना आ गया, वन आ गया, तो वन में से वन घट गया, तो नीचे टोटल आ गया जीरो, नीचे जीरो आ गया, तो ऊपर कुछ भी रहे, नीचे अगर जीरो है तो इसका वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट, यानी टेन थीटा प्लस फाइव बराबर इनफाइनाइट, तो इसका मान क्या हो जाएगा, ये टेन कितने का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, टेन नब्बे का वैल्यू होता है, थीटा प्लस फाइव बराबर हो जाएगा नब्बे, नब्बे टेन नब्बे, तो यहाँ पर फाइव बाई टू आ गया इसका आंसर। आगे बढ़े, अब देखिए ये सवाल पॉलिटेक्निक की परीक्षा में पूछा गया था, आप अगर उस वक्त एग्जाम देते तो क्या इसको कर पाते, कर पाते कि नहीं कर पाते, वीडियो रोक लीजिए, खुद इसी वक्त करके देखिए आपसे हो पा रहा है कि नहीं, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, आपको याद होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, यही सूत्र होता है। ठीक है, ये पूरा कोष्टक ए समझ लो और ये पूरा कोष्टक बी समझ लो, तो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी का मतलब इतना प्लस इतना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इतना प्लस इतना हो गया इंटू साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब मैं बताता हूँ क्या होगा,
इसके आगे इस ब्रैकेट के आगे माइनस लगेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो प्लस ए बाई टू माइनस ए बाई टू कट गया, पाई बाई एट, पाई बाई एट, टू पाई बाई एट, टू पाई बाई एट, टू से एट कटेगा यानी दो पाई बटे आठ हो जाएगा, दो से आठ कटेगा तो पाई बटे चार, साइन पाई बटे चार। और इसमें से पाई बाई एट कट जाएगा, ए बाई टू टू ए बाई टू, टू ए बाई टू से टू टू कट जाएगा, ए बचेगा, केवल साइन ए बचेगा। और ये साइन पैंतालीस है, साइन पैंतालीस का मान एक बटे कड़ी में दो और इंटू साइन ए। कौन से विकल्प में मौजूद है ये, देखिए एक बटे कड़ी में दो साइन ए, ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। तो ये वाला इसका ऑप्शन सही हो गया। थैंक यू।